तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो अलग अलग तरह के फीचर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन होने पर गैस इवॉल्व होती है, कुछ रिएक्शन होने पर सब्सटेंस का कलर ही बदल जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होने पर हीट लॉस होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होने पर हीट गेन होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होने पर टेम्परेचर ही बदल जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होने पर क्या होता है, कलर ही चेंज हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, चेंज इन कलर। ध्यान रखिएगा, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाई चेंज इन कलर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन के होने पर क्या होता है, सबस्टेंस का कलर ही बदल जाता है। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट देन फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का कंपाउंड है, लेकिन जब जो है ये आयरन से रिएक्ट करता है तब ये बनाता है आयरन सल्फेट, और कलर क्या मिलता है हमें, ग्रीन कलर चेंज हो गया। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आयरन क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बन क्या रहा है आयरन हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। आप देख पा रहे हैं कि आयरन क्लोराइड का कलर कैसा होता है, येल्लोविश ब्राउन, कैसा होता है, येल्लोविश ब्राउन। बट जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, बनाता है FeOH का टेकेंथ्राइस, तो कलर क्या देता है, डर्टी ग्रीन। यहां भी कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, तब ये क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, और कलर क्या चेंज हो रहा है, कॉपर कलर कैसा होता है, ब्राउन, और आगे प्रोडक्ट में कलर क्या मिल रहा है हमें, ग्रीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये सिल्वर होता है, सिल्वर कलर का, और उसके बाद AlCl3 किस कलर का है, ब्लैक है, यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिल्वर का रिएक्शन, जब सिल्वर का रिएक्शन करवाएंगे किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से, तब क्या बनाएगा ये, सिल्वर सल्फाइड और साथ में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर भी सिल्वर से कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक। इन सभी पांचों रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो है रिएक्टेंट का कलर अलग है और प्रोडक्ट का कलर क्या है, अलग है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कलर बदलता है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, सेकेंड हेडिंग की, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन के होने पर गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या लेने वाले हैं, CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करने वाले हैं, हीट करेंगे, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। ठीक, अब हम दूसरा एग्जाम्पल क्या लेने वाले हैं, Zn+H2SO4, जब जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तब ये क्या देने वाला है, Zn SO4+H2, यहां पे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, वाटर से, किससे करवाएंगे, वाटर से, तब ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पे तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों में जो है कोई ना कोई गैस निकल रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके होने पर गैस निकलती है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, यहां पर हाइड्रोजन गैस, यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही गैसें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको फिर से देखते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
और जब जिंक का रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और जब हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं किससे, H2O से, वाटर से करवाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के होने पर क्या होता है, गैस रिलीज होती है, यानी गैस इवॉल्व होती है, ओके। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुछ केमिकल रिएक्शन के होने पर जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम लेने वाले हैं क्या, AgNO3, क्या लिए, AgNO3। अब इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, NaCl के साथ करवा देंगे, तो ये क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ध्यान रखिएगा when silver nitrate react with sodium chloride then form silver chloride and sodium nitrate। यहां पर जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, प्रेसिपिटेट, यानी कि जो है ये बर्तन की तली में नीचे बैठने वाला है, ठीक है। यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के होने पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और वो बर्तन में नीचे की ओर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, MgOH का टेकन ट्वाइस। ध्यान रखिएगा हम जो है MgOH का जो है रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस 2H2O, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब जाके बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक प्रेसिपिटेट है और साथ में क्या बनता है, वाटर, ठीक है। लिसन अगेन, दोस केमिकल रिएक्शन या फिर आप ऐसे कह लीजिए सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, बर्तन की तली में नीचे बैठ जाता है, ओके। ये हमारी दूसरी तीसरी हेडिंग क्लियर हुई। अब क्या करेंगे हम, चौथी हेडिंग के बारे में बात करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। चौथी हेडिंग क्या है हमारी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। चलिए चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन के होने पर क्या होता है कि टेम्परेचर ही बदल जाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल क्या लेने वाले हैं, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसे हीट करते हैं यानी गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। आप और एग्जांपल लिख सकते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे, वाटर से, क्या बनाता है, CaOH का टेकन ट्वाइस प्लस हीट। ध्यान रखिएगा यहां पर आप हीट दे रहे थे और यहां पर ये हीट खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। दोनों ही रिएक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, यानी इसको गर्म कर रहे थे, यहां पे गर्म करना पड़ा हमें, ठीक है, तब जाके ब्रेक डाउन हुआ। यहां पे क्या करते हैं, जैसे इसका रिएक्शन वाटर से करवाएंगे ये खुद ब खुद क्या होगा, इसे रिएक्शन करने के बाद हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहां पर टेम्परेचर घट रहा था और यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम जो है पांचवी हेडिंग के बारे में बात करेंगे, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, चेंज इन एनर्जी की। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और कुछ रिएक्शन होने में क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप इन दोनों रिएक्शन में ही समझ सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें गर्म करना पड़ा था,
यानी कि क्या है, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके होने में आपको हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें नीचे वाले रिएक्शन की, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन करता है, तब जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि जो है सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस आर टू टाइप, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। ध्यान रखिएगा, जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हमें एनर्जी देनी होती है उसे क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं चेंज इन स्टेट। हमारी छठी हेडिंग क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ध्यान रखिएगा, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं उनके होने पर सबस्टेंस का जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या होता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है देखते हैं। यहां पे लेने वाले हैं कार्बन, लेते हैं कार्बन। कार्बन एक सॉलिड सबस्टेंस है। क्या है ये? सॉलिड। ध्यान रखिएगा, कार्बन क्या होता है, एक सॉलिड सबस्टेंस है, लकड़ी है, कोयला है, कुछ भी ले लीजिए आप। क्या करेंगे, इसे बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाएगा ये, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है, गैस बन गया। ध्यान रखिएगा, पहले ही सॉलिड था, जब इसे बर्न कर देंगे क्या बन जाएगा, गैस, ठीक है। एक और एग्जांपल मेरे पास है, ये है आपका हाइड्रोजन गैस, जब इसे इसे रिएक्ट करवाते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तब ये क्या बनाता है, 2H2O यानी कि वाटर। ध्यान रखिएगा, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म। देख पा रहे हैं आप लोग कि यहां पर क्या हुआ, यहां की सॉलिड से, यहां पर सॉलिड से क्या बना था, गैस, और यहां पे क्या है, गैस और गैस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, लिक्विड। यानी कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें सबस्टेंस का जो फिजिकल स्टेट होता है वो बदल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेंज इन कलर, यानी कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, इसमें कुछ एग्जांपल आपको दिए गए। सेकंड पढ़ाया गया इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यहां पर भी कुछ इक्वेशन आपको दिए गए। तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एंड नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। और उसके बाद आपको पढ़ाया गया है इससे पहले ही, चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और उसके बाद आपको एक और पढ़ाया गया है, चेंज इन एनर्जी, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन एनर्जी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी वाले को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो, बाहर निकले, और इंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू।